कुछ जगहें वक्त के साथ वीरान हो जाती हैं और कुछ जगहों को खुद लोगों द्वारा छोड़ दिया जाता है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है लोगों की कही बातें या अफवाहें और भी डरावनी और भयानक लगने लगती हैं। पर किसी भी जगह का असल रहस्य वहां रहे लोगों के अलावा कोई नहीं जानता। आज की कहानी एक ऐसे ही गांव की है जिसे लगभग सन 1900 में ना जाने क्यों वहां के लोग छोड़कर चले गए या गायब हो गए। अफवाहों की माने तो वहां कुछ ऐसी शक्तियों और भूत प्रेतों की घटनाएं हुई थी जिनसे वो पूरा गांव और वहां रहने वाले सारे लोग गायब हो गए। और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि गांव शहर से काफी दूर होने के कारण लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाई, जिस कारण लोग अपने घरों को और जमीनों को छोड़कर शहरों की तरफ चले गए। उस गांव में आखिर हुआ क्या था ये तो कोई नहीं जानता, पर वहां कुछ अजीब घटनाएं और भूत प्रेत होने की बातें हमेशा से चली आ रही हैं, जिसके डर से लगभग 100 वर्षों से उस गांव की तरफ कोई नहीं गया। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी सुनसान जगहों पर जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। नमस्कार, माइटॉन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 284। एक सर्द रात चार दोस्त राहुल, कौरव, सुमित और संजीव जंगल के बीचों बीच आग जलाकर बैठे बियर पीने में मस्त थे। ये चारों लगभग स्कूल के दिनों से ही एक साथ रहते थे। अभी ये चारों उस उम्र में थे जिसमें नशा करना, घूमना फिरना और रात भर बाहर दोस्तों के साथ रहना हर किसी को काफी अच्छा लगता है। हर दिन की तरह वो चारों आज भी बियर और खाने का सारा सामान लेकर जंगलों की तरफ आए थे कि तभी गौरव का कहना था, क्या तुम लोगों को उस गांव के बारे में पता है? उस गांव को लेकर बहुत सी अफवाहें हैं, कहते हैं वो गांव श्रापित है। ये सुनकर राहुल और सुमित थोड़ा सहम चुके थे क्योंकि उन दोनों ने पहले ही उस जगह की बातें सुन रखी थी। बात को टालते हुए राहुल का कहना था, मुझे लगता है ये सिर्फ एक अंधविश्वास है और कुछ नहीं। ये चारों अभी जिस गांव की बात कर रहे थे, कहा जाता था कि उस गांव को लगभग 100 वर्षों पहले ही वीरान कर दिया गया था और वहां के लोग एक एक करके गायब हो गए थे। उसके बाद से ही उस जगह कोई नहीं गया। किसी को नहीं पता कि आखिर वहां ऐसा हुआ क्या था। अफवाहों की माने तो वहां आज भी भूत प्रेत और कुछ ऐसी अजीब शक्तियां वास करती हैं जो कई वर्षों से भूखी हैं, और आज भी वहां कोई गलती से भी चला जाए तो कभी वापस नहीं आ पाता। सबकी बातों को सुन रहा संजीव इन बातों से काफी उत्साहित हो चुका था। वो हमेशा डरावनी कहानियों से आकर्षित होता था और इस गांव की बातों से उसकी रगों में एक लहर दौड़ चुकी थी कि तभी संजीव का कहना था, चलो यार एक बार हम भी वहां जाकर आते हैं, यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा साहसिक कार्य होगा। 100 सालों से अधिक समय से वीरान उस गांव में जाने वाले हम पहले इंसान होंगे। ये कहते हुए संजीव की आंखें उत्साह से चमक चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो संजीव अब अपने आप को वहां जाने से रोक नहीं पा रहा था। पर राहुल और सुमित जो अभी भी इन सभी बातों से झिझक रहे थे, लेकिन संजीव की इतनी उत्सुकता को देख वो सभी अगले दिन ही यात्रा पर निकलने के लिए सहमत हो गए। और अगले ही सुबह वो चारों दोस्त सभी जरूरी सामान के साथ उस गांव की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वो चारों जंगल के रास्तों से आगे बढ़ रहे थे, आसपास का माहौल और भी भयानक होता जा रहा था। हर तरफ पेड़ बंजर थे और आसमान काले बादलों से ढकने लगा था। जंगल के रास्ते और हर तरफ एक अजीब सी धुंध ऐसे घिरने लगी थी मानो ये सभी चीजें उन्हें वापिस लौटने की चेतावनी दे रहे हों।
लेकिन अब उन चारों ने गांव के रहस्य का पता लगाने की ठान ली थी। वो चारों उस तरफ नजरें टिकाए आगे बढ़ते रहे और थोड़ी ही देर में चारों उस गांव के सामने खड़े थे, जहां से वो चारों साफ देख पा रहे थे कि सभी घर समय के साथ खंडहर हो चुके थे और रास्ते घास फूस और उगे हुए पौधों से भरे हुए थे। हर तरफ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस गांव में समय थम चुका हो। वो चारों धीरे धीरे गांव में दाखिल हुए तो एक बेचैन कर देने वाली खामोशी मानो उन सबका इंतजार कर रही हो। शाम ढलने में अभी काफी समय बाकी था। उन चारों ने यहां रहे लोगों के किसी भी सुराग या संकेत में पूरा गांव छान लिया, लेकिन उन्हें केवल खाली घरों और वहां बिखरे कई पुराने सामान के अलावा कुछ भी नहीं मिला। धीरे धीरे अब सूरज ढलने लगा था। उन चारों ने रात के लिए एक गांव के बीचों बीच घर में डेरा लगाने का फैसला किया और अपना सारा सामान लिए वो एक ऐसे घर में रुके जो दो मंजिला था। वो चारों यही सोचकर कि रात को जंगली जानवरों से भी बचे रहेंगे और यहां से पूरा गांव भी दिखता रहेगा, वो चारों उसी घर की ऊपरी मंजिल में पहुंचे और थोड़ा बहुत साफ कर अपने सामान के साथ वहीं आग जलाकर बैठ गए। इस घर के सामने वाले हिस्से में बालकनी थी जहां उन चारों ने आग जलाई थी कि तभी संजीव का कहना था, वाओ यार क्या जगह है, पर जैसा तुम बोल रहे थे वैसा मुझे यहां कुछ भी नहीं लग रहा यार। संजीव की ये बात सुनते ही राहुल, गौरव और सुमित ने भी गांव की तरफ देखते हुए कहा, हाँ यार अब तो हमें भी यही लग रहा है कि शायद ये भूत प्रेत की बातें सब कहानियां ही थी। काफी देर बातें करने के बाद राहुल ने बैग से बियर और खाने का सामान निकाला और चारों एक बार फिर हर शाम की तरह पीने में मस्त हो गए। पर वो चारों इस बात से बेखबर कि आज जो भी उनके साथ यहां होने वाला था वो उन्हें सारी जिंदगी डराने के लिए काफी था। अभी उन चारों को आग के पास बैठे लगभग 15 से 20 मिनट ही हुए थे। अंधेरा चारों तरफ और गहरा रहा था और बेर का नशा भी हल्का हल्का ही हुआ था जब उसी घर के ठीक सामने वाले घर पे राहुल की नजर पड़ी तो उस घर से आग की बिल्कुल कम रोशनी उसे साफ नजर आ रही थी। गौरव, सुमित और संजीव अभी भी अपनी बातों में मस्त थे जब राहुल का कहना था, वो सामने घर में रोशनी दिख रही है क्या तुम लोगों को? ये सुनते ही उन तीनों ने पीछे पलट कर देखा तो वहां दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। उसी तरफ देखते हुए उन तीनों का पूछना था, किस घर की बात कर रहा है तू, कहाँ है रोशनी? कि तभी एक बार फिर राहुल का कहना था, अबे ओ अंधों उस सामने देखो, हमारे ठीक सामने घर में आग की रोशनी दिख रही है, तुम लोगों को नहीं दिख रही क्या? ये सुनकर अब वो तीनों पूरा उसी तरफ पलटकर बड़े ध्यान से देखने लगे, पर अभी भी गौरव, सुमित और संजीव को वहां कोई रोशनी कहीं नजर नहीं आ रही थी। कि तभी गौरव का कहना था, लगता है तुझे ज्यादा ही चढ़ गई है, अब और मत पी तू, पता नहीं क्या क्या दिखने लगा है तुझे। गौरव का इतना बोलना भर था जब थोड़ा गुस्से में राहुल ने एक बार फिर कहा, अबे पागल हो क्या तुम लोग, मैं पहली बार पी रहा हूं क्या, कोई नहीं चढ़ी मुझे, सच बोल रहा हूं, तुम अंधे हो सालों, तुम्हें सामने घर से आती रोशनी नहीं दिख रही। ये कहते हुए एक बार फिर राहुल ने उसी घर की तरफ देखा तो जो आग की रोशनी अभी तक उसे साफ नजर आ रही थी अब वहां अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। राहुल भी कुछ पलों के लिए सोच में पड़ चुका था कि जो भी अभी तक उसने देखा वो सच में था या महज उसका वहम। काफी देर तक वो चारों इन्हीं बातों में लगे रहे और धीरे धीरे अब नशा उन चारों में दिखने लगा था। अभी वो नशे में धुत अपनी ही बातों में लगे थे जब गांव से हर तरफ से आती एक आवाज
उन चारों ने साफ सुनी और इस आवाज को सुनकर ऐसा लगा मानो गांव में सभी घरों के दरवाजे एक साथ खुले हों। राहुल, गौरव, सुमित और संजीव जो अभी जोर जोर से बातें करते हुए अपनी ही मस्ती में थे, ये आवाज सुनकर एक झटके में पलटकर बाहर की तरफ देखने लगे तो गांव में हर घर आग की रोशनी से जगमगा रहा था। ये देखकर उन चारों की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी होने लगी थी क्योंकि वो चारों एक साथ वहीं मौजूद थे। तो ये सभी घरों में आग आखिर जलाई किसने? कि तभी राहुल का कहना था, मैंने कहा था ना कि उस घर से आग की रोशनी दिख रही है, तुम ही नहीं मान रहे थे। ये देखकर अब उन चारों में डर हावी होने लगा था कि तभी संजीव का बोलना था, चलो देखकर आते हैं आखिर ये आग है कैसी। वो चारों एक साथ उस घर से बाहर निकलने को उठे और ऊपरी मंजिल से नीचे पहुंचकर देखा तो एक पल के लिए उन चारों को अपनी खुली आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि एक बार फिर वो पूरा गांव काले अंधेरे में डूब चुका था। अब उन चारों में ये देखने की जिज्ञासा और बढ़ गई थी कि आखिर ये आग की रोशनी घरों में आ कहां से रही थी। चारों ने एक साथ लाई टॉर्चें उठाई और उस घर के बाहर की तरफ निकल गए। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो सभी सामने वाले घर में पहुंचे तो वहां टूटी फूटी दीवारों और बिखरे सामान के अलावा कुछ नहीं था। ऐसे ही वो चारों उस पूरे गांव के हर घर में जाकर देखते तो वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही हर घर को देखते हुए वो सभी गांव के दूसरे छोर पर पहुंच चुके थे जब धीरे धीरे पूरे गांव में एक अजीब काली धुंध हर तरफ छाने लगी और डरावनी और अजीब आवाजें हर तरफ से आने लगी थी। ये देखकर अब वो चारों इतना तो समझ गए थे कि ये जो भी यहां उनके साथ अभी हो रहा था ये कोई सामान्य चीजें तो नहीं थी। अब उन चारों में इस गांव के बारे में फैली अफवाहों को सोचकर डर घर करने लगा था। वो चारों वापस उसी घर की तरफ जाने को अभी पलटे ही थे जब पीछे देखते ही उन्होंने जो भी देखा वो देखकर उन चारों के हाथ पैर कांप चुके थे क्योंकि अभी अभी जो पूरा गांव दूर दूर तक साफ नजर आ रहा था वो कुछ ही पलों में एक अजीब काली धुंध में गायब हो चुका था। धीरे धीरे डरते हुए वो चारों एक साथ आगे उसी घर की तरफ बढ़ने लगे पर अब उन चारों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन चारों के अलावा यहां बहुत से लोग इधर उधर भाग रहे हों। वो चारों हर कदम डरते हुए हर तरफ देखते पर आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। पर बड़ी अजीब बात थी, लोगों के भागते कदमों की आवाज वो चारों साफ सुन पा रहे थे। बड़ी मुश्किल के बाद आखिरकार वो चारों उसी घर के ठीक सामने पहुंचे और उस घर का टूटा हुआ दरवाजा खोला ही था तो सामने देखते ही उन चारों की रूह तक कांप उठी क्योंकि घर में उनकी आंखों के सामने एक काले धुएं से बनी किसी औरत की आकृति खड़ी थी कि तभी ये देखते ही उन चारों ने बिना इधर उधर देखे गांव से बाहर भागने के लिए दौड़ लगा दी। अब वो चारों इतना डर चुके थे कि पीछे देखने तक की हिम्मत उन चारों में ना के बराबर थी। वो चारों काफी देर तक भागते रहे और थोड़ी ही देर में उन चारों को एहसास हुआ कि वो अभी भी उसी गांव में थे। वो चारों जिस तरफ भी भागते अब वो इस गांव से बाहर नहीं निकल पा रहे थे कि तभी लोगों की चीखों से वो पूरा गांव दहल उठा। ऐसा लग रहा था मानो कई लोग दर्द से तड़फ रहे हों
जब वो चारों डरे हुए हर तरफ देखते तो काली धुंध के अलावा उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब उन तीनों को समझ आ चुका था कि यहां आकर उन तीनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। डर से कांप रहे वो तीनों इधर से उधर इस गांव से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जब एक आवाज उन चारों ने सुनी। अरे बेटा, क्या ढूंढ रहे हो तुम यहाँ? ये आवाज सुनकर उन चारों ने रुककर उसी तरफ देखा तो एक वृद्ध महिला एक घर के दरवाजे पर खड़ी उन्हें अपने तरफ बुलाने का इशारा कर रही थी। ये देखकर उन चारों को अपनी आंखों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, पर अभी अभी जो उन चारों ने देखा था वो उन चारों की कल्पनाओं से परे था। वो डरे हुए बिना सोचे उसी वृद्ध महिला की तरफ भागे और उसके पास जाकर कुछ बोल पाते कि तभी उन चारों ने देखा कि पूरा गांव काली धुंध से ढक चुका था, पर पूरे गांव के बीच यही एक घर था जहां धुंध का कोई नामो निशान नहीं था। अभी वो चारों उस घर के ठीक सामने खड़े थे जब उस वृद्ध महिला का कहना था, आओ बेटा आओ, अंदर आ जाओ, यहाँ तुम लोगों को कोई परेशान नहीं करेगा। उस वृद्ध महिला की ये बात सुनकर वो चारों एक दूसरे की तरफ देखते हुए उस घर में दाखिल हुए और अंदर पहुंचते ही एक बार फिर हैरान थे, क्योंकि घर के बाहर पूरे गांव में लोगों की चीखें और भयानक साए हर तरफ दिख रहे थे। पर इस घर में प्रवेश करते ही सब एकदम शांत हो गया, मानो ऐसा लग रहा था कि वो चारों उस गांव में ना होकर किसी और ही जगह पहुंच चुके हों। कि तभी संजीव ने हिम्मत कर उस वृद्ध महिला की तरफ देखते हुए कहा, इस गांव में तो कई बरसों से कोई नहीं रहता, ऐसा सुना है हमने, पर आप यहां कैसे रहते हो, कौन हो आप? इस पे उस वृद्ध महिला का बताना था कि इसी गांव में एक कुल देवी का मंदिर है जहां की देखरेख उनके पूर्वज और अब हम कई वर्षों से करते आ रहे हैं। ये सुनकर वो चारों हैरानी से उस महिला को देख रहे थे कि तभी संजीव ने एक बार फिर पूछा, यहां हुआ क्या था? इस गांव की बहुत सी बातें सुनी है हमने और आज देख भी लिया, पर ये हो क्यों रहा है, यहां है क्या ऐसा? इस पे उस वृद्ध महिला का बताना था कि बहुत पहले की बात है, ये गांव काफी सुंदर और लोग काफी खुशहाल हुआ करते थे। उस समय कुलदेवी की इस गांव पर काफी कृपा थी, हर दिन लोग सारा दिन अपने कामों में रहते और सुबह शाम कुलदेवी के मंदिर में भजन कीर्तन होता, सब सही चल रहा था। फिर एक दिन शहरों से कुछ अंग्रेज बाबू यहां घूमने के इरादे से आए थे। गांव से बाहर वो काफी महीनों तक रहे। गांव तक सड़क और कई चीजें लाने की बातें पूरे गांव में फैल गई। धीरे धीरे सुविधाओं के साथ लोगों में एक दूसरे के प्रति जलन और घृणा भी फैली और पूरा गांव एकदम बदल गया। एक दिन वो अंग्रेज बाबू तो चले गए, पर वो लोगों में एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत छोड़ गई कि पहले जो गांव के लोग एक साथ एक दूसरे की मदद में लग जाते थे, धीरे धीरे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। और एक बार देर रात उसी घर में अचानक आग लग गई जहां कुलदेवी का मंदिर हुआ करता था। एक दूसरे के प्रति नफरत इतनी फैल चुकी थी कि लोग अपने अपने काम से मतलब रखते थे। घर में आग लगी और उस घर में रहने वाली एक बूढ़ी औरत चीख चीख कर गांव वालों को बुलाती रही, पर लोग यही सोचकर अपने घरों में सोते रहे कि कोई और मदद करने के लिए चला जाएगा। और जब तक लोग बाहर निकलकर देखते, घर के साथ साथ मंदिर भी आग की चपेट में आ चुका था। कुलदेवी को बचाते हुए वहां की वो पुजारन भी उसी आग में जलकर राख हो गई, पर मरते हुए उस पुजारन ने कहा था कि जैसे जैसे आज ये कुलदेवी का मंदिर जला है, यहां रहने वाला हर इंसान हर रात यहां जलता रहेगा। उस दिन के बाद से आज तक हर रात यहाँ लोगों की रूहें अपने घरों में उसी आग में तड़पती हैं और ये कई सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है। राहुल, गौरव, सुमित और संजीव ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि तभी राहुल का पूछना था, पर ये बातें आपको कैसे पता हैं? इस पे उस महिला का बताना था, बेटा रात बहुत हो गई है
अब तुम आराम करो, थोड़ी बातें सुबह कर लेना। ये कहकर वो वृद्ध महिला अंदर चली गई और वो चारों वहीं बिछी एक चारपाई पे सो गए। सुबह जब चारों की नींद खुली तो उन चारों के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि वो चारों एक जले हुए घर में जमीन पे लेटे थे। उठकर उन्होंने चारों तरफ देखा तो इसी घर के दूसरी तरफ एक मंदिर बना था जहां एक बाती अभी भी जल रही थी। वो चारों समझ चुके थे कि रात में वो वृद्ध महिला और कोई नहीं बल्कि वही पुजारन थी जो बरसों पहले इस घर में आग में जली थी। वो चारों इस गांव का रहस्य जान चुके थे और उसके बाद वो एक बार पूरे गांव में घूमे तो एक बार फिर वो पूरा गांव शांत हो चुका था। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।